कपिल ट्रांसफर मैं आज कोविड पैंडेमिक में जो ऑक्सीजन की हमारी रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली इस डिजीज के लिए, ये एक बहुत अच्छा सेटअप है। मैं वेलकम करता हूँ शाहनवाज साहब के सेटअप को। तो हमें ऑक्सीजन जो है पेशेंट को सप्लाई करनी पड़ती है, जो उसके दो सिस्टम होते हैं, एक हाई फ्लो ऑक्सीजन होती है, एक लो फ्लो ऑक्सीजन होती है। तो लो फ्लो ऑक्सीजन वाले पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर मैनेज किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि आज के दौर में खासकर हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी और उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए कि भाई हमें प्रायोरिटी इसी चीज़ को देनी है, तो ये इन्होंने दी है हमें। हमें उम्मीद है कि हमारे पास इस वक्त भी आज की डेट में 6 पेशेंट इस वक्त हमारे पास एडमिट हैं अंदर और लो कंसंट्रेटर ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। तो उसमें ये हमें बूस्ट करेंगे। आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि शायद हमारे पास ज़्यादा लोग आ जाएंगे, उसमें हमें ये चीज़ ज़रूरी बेनिफिट देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हम कोशिश करेंगे कि जो हॉस्पिटल को ये चीज़ दी है ये उसी पेशेंट के पर लिए इस्तेमाल की जाए और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं इसमें यही कहूँगा कि मेरी इस बाशऊर आवाम जो है सोरीकोट की, उससे अपील है बार बार कि आप जो कोविड को रोकने के लिए जो हमारे इस चैन को ब्रेक करने की 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़े इकदाम ज़रूर उठाए हैं, लेकिन लोगों पे हम इतनी चीज़ें सख्ती भी करने से कुछ चीज़ें महसूस भी करते हैं कि भाई ये लोग इसको समझें खुद और ख़ुद अपनी जिम्मेवारी जो उसको निभाएँ। दूसरा ये है कि मैं कहूँगा कि लोग आप इसकी वैक्सीनेशन जो है वो मैक्सिमम करवाएँ ताकि ये चैन टूट सके। थर्ड चीज़ जो है लोग जो घरों में बैठे हुए हैं छुपे हुए हैं कि भाई हम वो इस सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। जब लेट स्टेज होता है टर्मिनल स्टेज में, तो उस वक्त उनके फेफड़े जो है कोविड निमोनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उस वक्त सामने आते हैं, उससे नुकसान होता है। तो लिहाजा लोग फोर फ्रंट में आएँ, आपने सैम्पलिंग करवाएँ और टाइम आज इस तरह की आपको पता है कि पेंडेमिक कोरोना की वजह से इस वक्त क्या हालात हैं, जगह जगह ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में हो रही है। तो वहीं हमारा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पहुंच या सुरनकोट में उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन जहाँ ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज मैंने फाउंडेशन को दिल्ली में गुजारिश की थी कि हमें यहाँ ये हमारा फार फ्लंग एरिया है, हमारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की कमी है। तो इसलिए मैं देव फाउंडेशन का भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे दिल्ली से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो सुरनकोट हॉस्पिटल के लिए भेजे हैं। मैं शाहिद इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने भी पूरा रोल प्ले किया। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज BMO साहब यहाँ पे और हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ मौजूद है, हमने BMO सुरनकोट डॉक्टर जुल्फकार साहब के हैंड ओवर मैंने ये 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है इनकी मदद से आने वाले दिनों में जो ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल में जो है पेशेंट्स जो मरीज हमारे जो कोविड पॉजिटिव होंगे उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी और बहुत इससे राहत मिलेगी। मेरी कमिटमेंट है कि जिस तरीके से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज सुरनकोट अस्पताल को 3 दिए हैं, इसके अलावा बाकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ मशीन इक्विपमेंट ज़रूरत हैं आने वाले दिनों में, मेरी कमिटमेंट है कि वो भी जो हमारा सुरनकोट हॉस्पिटल है उसमें सारे इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें जो मशीन्स आने वाले दिनों में मैनेज की जाएं ताकि यहाँ अच्छा बेहतर जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे सुरनकोट हॉस्पिटल में तैयार हो सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ें, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के इकदाम, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा कदम लिया है कि लॉकडाउन किया है, उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, मगर दूसरी जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी पर बनती है, लोगों पर बनती है कि हम उस सारे SOPs को फॉलो करें और हम गैदरिंग्स इकट्ठी एक जगह ना करें और बगैर मतलब के घरों से ना निकलें। और ख़ास तौर पे क्योंकि ईद आ रही है, मेरी सबसे गुजारिश है लोगों से, खास तौर पे हाथ जोड़ के गुजारिश है
ये कोविड की बीमारी से पूरे हिंदुस्तान भर में इस वक्त जो है लोग खौफजदा हैं और किस तरीके से मुब्तला है। हमारे सुरनकोट में अकेले 8-9 मौतें जो है सुरनकोट में हो चुकी हैं, इसलिए घरों पे रहें, बाहर ना निकलें और सिर्फ मजबूरी की वजह से निकलें और उसमें भी जो है मास्क पहन के और दूरी बना के रखें। और ख़ासतौर पर ईद में भी या ईद के बाद भी बहुत सारी शादियाँ, क्योंकि आप ईद के बाद लोगों ने रखी होंगी, मेरी सबसे गुजारिश है कोशिश करें कि शादियाँ आगे इसको पोस्टपोन